सेकेंड रूल, अर्थमेटिक ऑपरेशन इज ऑल्सो पॉसिबल यदि आपके सेकेंड अरे में एटलीस्ट एक डायमेंशन होना चाहिए, या तो दोनों सेम शेप में हो, राइट, या आपके सेकेंड अरे, योर सेकेंड अरे मस्ट कंटेन वन डायमेंशन, और उस वन डायमेंशन में नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट अरे. ठीक है कि फर्स्ट अरे के फर्स्ट डायमेंशन में जितने एलिमेंट हैं, अगर आपके सेकेंड अरे में उतने एलिमेंट हैं, जैसे ये जो सेकेंड एग्जांपल है, अगर हम इसको देखें, तो यदि मान लो मेरा पहला अरे है, दिस इज माय फर्स्ट अरे, एंड दिस अरे कंसिस्ट सपोज 2, 6, 5, 3, 2, 4, ठीक है, एंड सपोज 6, 9, 5, सपोज ये एलिमेंट, तो ये अरे में कितने का है, इट शुड बी 3/3, ठीक है, इसका शेप है 3/3. तो यदि मेरा अरे है और अगर मेरा सेकेंड अरे, या तो दोनों का शेप सेम हो, राइट, और माय सेकेंड अरे कंसिस्ट वन डायमेंशन, और ये वन डायमेंशन यदि हुए सपोज 9, 6, 5, सो दैट इट्स वैलिड. मतलब ये पॉसिबल है कि मैं अब ए और बी के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, क्योंकि इसमें एक डायमेंशन है और वो डायमेंशन अरे के फर्स्ट एलिमेंट से मैच कर रहा है. तो अब देखिए, सेकेंड रूल हमने क्या बोला था, सेकेंड अरे मस्ट हैव एटलीस्ट वन डायमेंशन एंड एलिमेंट्स इन दैट डायमेंशन इक्वल टू द फर्स्ट अरे. ठीक है, तो हमारे सेकेंड अरे में एक डायमेंशन है, हाँ, इसमें एरर कब आती, यदि मान लो मैं लिख देता हूं यहां पे 9, 6, 5, 4, सो दिस इज वन डायमेंशन, इट्स ओके, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नॉट मैच टू द फर्स्ट अरे. तो आपके दो अरे अगर या तो सेम शेप में हो, सो दैट अर्थमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल, या फिर अगर आपका सेकेंड अरे है, तो उस सेकेंड अरे में नंबर ऑफ एलिमेंट आपके फर्स्ट अरे के एलिमेंट से मैच करना चाहिए, इट शुड बी सेम. ये सेकेंड रूल है, सेकेंड मतलब और, तीनों रूल कंपलसरी नहीं है, इसीलिए मैंने और लिखा हुआ है, या तो ये या ये या ये, तीनों में से कोई भी रूल अगर आपका अरे अप्लाई कर रहा है, सो दैट यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस.